फ्रेंड्स Realme उसका Realme U1 लॉन्च कर दिया है काफी कमाल का प्राइस एंड स्पेसिफिकेशन के साथ। जिस प्राइस में लॉन्च किया है उसी प्राइस में इंडिया में दो फोन है जो कि Realme 2 Pro एंड Honor 8X, एंड चाइना में दो फोन लॉन्च किया है जो कि Xiaomi का Mi 8 Lite एंड Honor का Honor 10 Lite। तो गाइस आज इस वीडियो में इस पांचों फोन को यानी कि Realme U1, Realme 2 Pro, Honor 8X, Mi 8 Lite एंड Honor 10 Lite के बीच फुल स्पेसिफिकेशन कंपटीशन करूंगा। और गाइस मैं आपको बताऊंगा पांचों फोन से कौन सा फोन वैल्यू फॉर मनी फोन है, कौन सा फोन आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये वीडियो आप शुरू से लेके लास्ट तक देखते रहिए। और गाइस बीच में वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। गाइस मैं हूं सुमन, आप देख रहे हैं सुमन टेक्नो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सुमन टेक्नो YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स बात करते हैं पांचों फोन की बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। Realme U1 एंड Realme 2 Pro में आपको पॉलीकार्बोनेट बिल्ड क्वालिटी मिलेगा, लेकिन गाइस बैक साइड की तरफ ड्यूअल कलर ग्रेडिंग मिलेगा, ग्लास जैसा फील होगा। फ्रंट साइड में वाटर ड्रॉप नॉच मिलेगा जो कि फोन की लुक को एक प्रीमियम लुक देता है। Honor 8X में आपको ग्लास बैक देखने को मिलेगा, फ्रंट साइड में सिंपल नॉच देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस Mi 8 Lite में आपको ग्लास बैक देखने को मिलेगा, बैक साइड की तरफ ड्यूअल कलर ग्रेडिंग भी मिल जाएगा, फ्रंट साइड में सिंपल नॉच मिलेगा। Honor 10 Lite में आपको देखने को मिलेगा ग्लास बैक, लेकिन गाइस फ्रंट साइड में वाटर ड्रॉप नॉच मिलेगा। तो पांचों फोन का डिजाइन काफी कमाल का है। गाइस बात करते हैं पांचों फोन की प्रोसेसर यानी कि चिपसेट के बारे में। Mi 8 Lite एंड Realme 2 Pro में आपको Qualcomm Snapdragon 660 चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि एक ऑक्टाकोर चिपसेट है। 4 कोर रन करता है 2.2 GHz में एंड 4 कोर रन करता है 1.8 GHz में। इसका जो GPU है Adreno 512 GPU, तो गेमिंग परफॉर्मेंस भी दोनों फोन में कमाल का देखने को मिलेगा। गाइस बात करते हैं Honor 8X एंड Honor 10 Lite की। तो गाइस यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा हाई सिलिकॉन किडिन 710 चिपसेट। गाइस ये भी एक ऑक्टा कोर चिपसेट है, 4 कोर रन करता है 2.2 गीगाहर्ट्ज में एंड 4 कोर रन करता है 1.7 गीगाहर्ट्ज में। इसका जो GPU है Mali G51 MP3 GPU, तो काफी कमाल का गेमिंग परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस यहां पे गेमिंग परफॉर्मेंस को बेटर से बेटर क्वालिटी करने के लिए GPU टर्बो दिया है, तो गेमिंग परफॉर्मेंस धांसू मिलेगा। Realme U1 में आपको देखने को मिल जाएगा MediaTek का Helio P70 चिपसेट। गाइस ये भी एक ऑक्टा कोर चिपसेट है, 12 नैनोमीटर में बेस्ट है कि काफी पावर एफिशिएंट भी होगा। और गाइस इसका जो GPU है Mali G72 GPU, पांचों फोन काफी कमाल का गेमिंग एक्सपीरियंस देगा। गाइस बात करते हैं यहां पे कैमरे के बारे में। Realme U1 में आपको देखने को मिल जाएगा 13+2 मेगापिक्सल का ड्यूअल रियर कैमरा, और गाइस Realme 2 Pro में आपको देखने को मिलेगा 16+2 मेगापिक्सल का ड्यूअल रियर कैमरा। Mi 8 Lite में आपको देखने को मिलेगा 12+5 मेगापिक्सल का ड्यूअल रियर कैमरा। Honor 8X में देखने को मिल जाएगा 20+2 मेगापिक्सल का ड्यूअल रियर कैमरा, एंड Honor 10 Lite में आपको देखने को मिलेगा 13+2 मेगापिक्सल का ड्यूअल रियर कैमरा। गाइस बात करते हैं पांचों फोन की फ्रंट कैमरे के बारे में। तो गाइस यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा Realme U1 में 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, Realme 2 Pro एंड Honor 8X में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, एंड Mi 8 Lite एंड Honor 10 Lite में आपको देखने को मिल जाएगा 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। फ्रेंड्स बात करते हैं पांचों फोन की बैटरी के बारे में। Realme U1 एंड Realme 2 Pro में आपको देखने को मिल जाएगा 3500 mAh की बैटरी, Honor 8X में आपको देखने को मिलेगा 3750 mAh की बैटरी, Mi 8 Lite में आपको देखने को मिलेगा 3350 mAh की बैटरी, Honor 10 Lite में आपको देखने को मिलेगा 3400 mAh की बैटरी। और गाइस यहां पे Mi 8 Lite में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा USB टाइप सी के साथ, वरना आप चारों फोन में आपको USB टाइप 2 के साथ मिलेगा, फास्ट चार्जिंग नहीं मिलेगा। गाइस बात करते हैं पांचों फोन की स्टोरेज के बारे में। Realme U1 में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेगा 3GB 32GB 4GB 64GB, Realme 2 Pro में आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलेगा 4GB 64GB 6GB 64GB 8GB 128GB, Honor 8X में आपको देखने को मिल जाएगा 3 वेरिएंट 4GB 64GB 6GB 64GB एंड 6GB 128GB, Mi 8 Lite में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेगा 4GB 64GB एंड 6GB 64GB, Honor 10 Lite में आपको देखने को मिलेगा 3 वेरिएंट 4GB 64GB 6GB 64GB एंड 6GB 128GB। गाइस आप बात करते हैं पांचों फोन का मेन पार्ट यानी कि प्राइस के बारे में। गाइस Realme U1 को जो 3GB 32GB वाला वेरिएंट 14000 रुपीस में देखने को मिलेगा, 4GB 64GB वाला वेरिएंट 14499 रुपीस में देखने को मिलेगा। Realme 2 Pro का जो 4GB 64GB वाला वेरिएंट 14000 रुपीस में देखने को मिलेगा, 6GB 64GB वाला वेरिएंट 16000 रुपीस में, 8GB 128GB वाला वेरिएंट 18000 रुपीस में देखने को मिलेगा। Honor 8X का जो 4GB 64GB वाला वेरिएंट 15000 रुपीस में, 6GB 64GB वाला वेरिएंट 17000 रुपीस में एंड 6GB 128GB वाला वेरिएंट 19000 रुपीस में देखने को मिलेगा। गाइस Mi 8 Lite जो चाइना में लॉन्च किया है, अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो गाइस इसका जो 4GB 64GB वाला वेरिएंट 15000 रुपीस में, 6GB 64GB वाला वेरिएंट 17000 रुपीस में देखने को मिल जाएगा। Honor 10 Lite की बात कर दो गाइस,
यहाँ पे जो 4GB 64GB वाला वेरियंट 14,000 rupees के आसपास मिलेगा इंडिया में, 6GB 64GB वाला वेरियंट 17,000 rupees के आसपास मिलेगा, 6GB 128GB वाला वेरियंट 19,000 rupees के आसपास मिलेगा। गाइस आप बात करते हैं कौन सा फोन वैल्यू फॉर मनी फोन है। गाइस यहाँ पे पांचों फोन किलर है अभी इंडिया में, रियलमी U1 है, रियलमी 2 प्रो है एंड ऑनर 8X है। तीनों फोन धासु है, आपको जो फोन पसंद आता है वो ले लीजिए। अगर आप रुकना चाहते हो, वेट करना चाहते हो, तो कुछ दिन के बाद Xiaomi का Mi 8 Lite इंडिया में आ रहा है एंड ऑनर का ऑनर 10 Lite आ रहा है, जो कि पांचों फोन किलर है। आपको जो फोन पसंद आता है आप ले लीजिए आपके हिसाब से। ऐसे भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना 500 फोन से आपको कौन सा फोन पसंद आया, आप कौन सा फोन खरीदने वाले हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट के लिए मैं जरूर इंतजार करके रहूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल में लेटेस्ट स्मार्टफोन का अपडेट लाता रहता हूँ सबसे पहले आप लोगों के लिए, तो सब्सक्राइब तो बनता है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक गुड बाय।